भाई की को बेइज्जती किया या गांव वाला बोला पता नहीं कि हमेशा से ऐसा ही डर लगा रहता था कि हाँ सबसे बात करेंगे ये करेंगे तो। मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक जगा रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन की पार्टी में। वो मैं कसम खा के बता रहा हूँ जो मेरे सामने हुआ घटना। के फैमिली मेंबर थे, उनकी मम्मी और भी बहुत सारे गेस्ट थे और एक कोई यूट्यूबर थे। देखो ऐसा हुआ है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पहले मैं स्टैंड लेता, आपके लिए चल रहा था। बट आपने बोला कि आपके साथ 3 बार किया, तो भाई अंकुश भाई ने बहुत गलत किया। अगर अंकुश भाई ने तो मुझे पहले शेयर करना चाहिए था कि शायद आपके साथ ऐसा कर रहा हूं। क्यों पता नहीं, तो अभी शिवांश किचन से ये गोलू जी से मांग के पूरा ये ट्रे ही ले आया, इसमें सारा चॉकलेट चॉकलेट ही भरा हुआ है। और एक जेम्स खोल दिया मैंने तो दूसरा नहीं खोल रही थी, अब नीचे लेके गया। बेटा आओ ऊपर शिवू। हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को, सत श्री अकाल, प्रणाम सलाम की एम छुआन, भोजपुरी में बोले तो कैसन पानी रघुआ से। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। आज का ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ब्लॉग देख रहे हो, ये कोई हमारा डेली लाइफ ब्लॉग नहीं है। कुछ बातें हैं जो शायद क्लियर करनी है, क्योंकि बातें जो छोटी सी कंट्रोवर्सी थी या छोटा सा एक मजाक था या क्या था, वो सब तो आपको आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि जो हमने उस दिन हुआ उस चीज़ को हम आपको बता दें। सबसे पहले बात ये है कि 22 जनवरी को बाबू का बर्थडे था और दिली इच्छा थी और बहुत सारी चीज़ें थी। हमने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, मतलब पार्टी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइज किया था, बट फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बहुत सारे हमारी यूट्यूब की फैमिली को हमने इनवाइट किया था। और मतलब कमेंट देख के ना एक अजीब सा मन हो जाता है कभी कभी। अभी मैं कमेंट देख रहा था अपना कि इतना नेगेटिव कमेंट सब आ रहे हैं कि भैया सारा जर आप ही हो, आप ही के पार्टी से सब कुछ कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट हुआ है, आप पार्टी के होस्ट थे तो आपका ध्यान रखना था। और वहाँ पे अंकुश ने विजय भाई की को बेइज्जती किया या गांव वाला बोला पता नहीं। ये जो बात चल रहा है ना, ये सोच के मन अजीब सा घबरा रहा है, टेंशन हो रहा है। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कल रात को भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मैंने भी ब्लॉग बनाया है इस टॉपिक पे, अंकुश भाई से बात किया, उनका जो बात था वो रखा, इसके बाद मिथुन भाई से बात किया वो रखा, विजय भाई से भी हमने ऐसे बात किया था बट वो कुछ सूट नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि विजय भाई, जब कल उनका ब्लॉग देखा फिर जाके समझ नहीं आ रहा है कि विजय भाई आप जब इतनी सारी बातें बता रहे हो तो आपने डायरेक्ट वे में मुझसे ये बातें चर्चा नहीं की, डायरेक्टली आप कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती आपकी है, और मतलब ये चीज़ समझ हमें भी नहीं आ रहा है कि ये ना ये बहुत परेशान है, क्योंकि हम लोग हमेशा इसी वजह से कि कोई भी इवेंट में नहीं जाते थे, ना किसी को बुलाते थे, यही हमेशा से ऐसा ही डर लगा रहता था कि हाँ सबसे बात करेंगे ये करेंगे तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं ये सब कंट्रोवर्सी ये सब ना हो जाए, इसकी वजह से ये हमेशा डरते थे कोई भी इवेंट करने से, किसी को बुलाने से। तो सब लोग समझते थे कि हम लोग घमंडी हैं, ऐसे हैं, इस वजह से किसी को नहीं बुलाते हैं। लेकिन देखिए, हम नहीं बुलाते थे तब भी हम बुरे हैं, और हम किसी को बुला रहे हैं उसके बाद छोड़ा है तब भी हम बुरे हैं, मतलब हम बुरे ही हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बातें जो है ना, जो मुझे लगता है जो मैंने देखा, क्योंकि मुझे इसमें ला दिया गया है कि रुद्र भाई भी थे, सचिन भाई भी थे, एंड उनकी पूरी फैमिली के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि विजय भाई कम से कम आपको एक बार फ़ोन पे हमसे बात कर लेना चाहिए था कि हाँ रुद्र भाई मुझे आपकी पार्टी में इनका बिहेव ऐसा लगा। शायद सबसे पहली बात, ऑडियंस आप हमारी फैमिली हो तो आप कमेंट करके मुझे सिर्फ एक चीज़ बताना, क्या आपने सारी वीडियो देखी होगी हमारे जो हमने पार्टी ऑर्गेनाइज किया था उसमें सचिन भाई की फैमिली, कपल लाइफ, जिया सातवत शाश्वत, मिस्टू मिस्टी, विजय रिया, अंकुश भाई एंड और भी बहुत सारे क्रिएटर आए थे, और भी लोग थे ना, मैं किसी का नाम तो नहीं बोल रहा ना, ये कपल लाइफ बोल दिया मैंने। तो ये सभी लोग आए हुए थे हमारे इवेंट में और सब हमारे लिए इक्वल थे, कोई छोटा कोई ना कोई बड़ा। और जब हम किसी मेहमान को या किसी गेस्ट को अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं ना, तो उनका
खातिरदारी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हम खुद से बढ़ के उनके लिए करें। ये फर्स्ट टाइम हम लोग इतने सारे यूट्यूबर्स को बुलाए थे, ये इतने परेशान थे, इतना ज्यादा परेशान थे। मुझे एक कमेंट करके आप बताना कि मैंने उसमें कमी क्या किया। सबके लिए हर एक चीज का व्यवस्था किया। मैंने ये सोचा था, टेंशन लेते मैंने थे यही सोचा था कि मैं जब पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ना, तो अब तक का सबसे बेहतरीन पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का। चाहे चार टाइम जो भी मैंने जो भी वहाँ का लैंडमार्क होटल बुक किया था, जो मुजफ्फरपुर का वन ऑफ द बेस्ट होटल है, 4-स्टार होटल है, तो मैंने ना कभी कोई टेंशन लिया कि वहाँ क्या खर्च लग जाएगा। मैं चाहता तो घर पे ऑर्गेनाइज करता। मुझे पता है घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ये पहले घर पे ही सोचे थे कि घर पे ही करेंगे, फिर पापा जी और ये फिर मिलके डिस्कस किए एक दिन पहले। मैंने ये सोचा ना कि घर पे दिक्कत क्या है कि बहुत सारे छोटे बच्चे लेके आते हैं, और छोटे बच्चे को ठंड के दिन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बारीकी से सब कुछ देखा, इसके बाद केयर किया, फिर मैंने सोचा नहीं वहीं पे रूम लेते हैं। सब लोग के लिए रूम लिया, सब लोगों को एडजस्ट किया। वहाँ पे बंद था थोड़ा सा, उसमें डायग्राम हीटर चल रहा था, सारे कुछ व्यवस्था था वहाँ पे। पार्टी किया गया, सब कुछ मैंने इक्वल किया सब लोगों के लिए। मैंने कहीं भी किसी के लिए भेदभाव नहीं किया। और रहा बात वहाँ पे ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ कमेंट ये आ रहे हैं। फिर भी हम सबको बुलाने जाते थे, सबको एकदम टाइम टू टाइम बताते थे, रूम में जाके बुलाते थे। मतलब अपनी तरफ से हमने मुझे आपको बिलीव नहीं करोगे कि मैं रात को 2-3 बजे तक जगा रहा हूँ, 2-3 दिन की पार्टी में। सब लोग को जाना, सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसे होटल में कॉल आता है, बट मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, मैंने 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 ग्रुप नहीं बनाया। बहुत सारी जगह होता है कि ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में डाल दिया कि हाँ जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट है। मैं सबका गेट ठकठका के, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, पार्टी का टाइम हो गया, पूजा का टाइम हो गया, अब केक कटने वाला है। मतलब एक बारी नहीं, मैं पाँच बार बारी सबको, सबका अलग अलग रूम, सबको रिमाइंडर जाके करता था, सब लोग को बुलाना। अकेला वहाँ पे था, मेरे साथ मेरा भाई था, संजीव था दोस्त, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड मुझे इस बात का बुरा लग रहा है ना कि सब कुछ किया मैंने, अपने तरफ से कोई कमी नहीं की, फिर भी अभी सुनने को मिल रहा है, कुछ कमेंट आ रहे हैं, भैया आप विजय भाई के साथ देना चाहिए। कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आप विजय भाई का साथ दो। मुझे एक बात बताइए, मैं ना विजय भाई की गलती बोल रहा हूँ, ना अंकुश भाई का, सभी अपने जगह सभी अच्छे हैं, सभी हमारे मित्र हैं, भाई की तरह है। मिस्टू भाई हो, मिथुन भाई हो, अंकुश भाई सब हो, सब इक्वल है। अगर विजय भाई के साथ, हाँ सबसे पहली बात ये क्लियर कर दूँ कि उन्होंने बोला कि हमारी फैमिली और हमारे सामने ये वाला घटना हुआ। जब मैं पार्टी का 21 या 22 का घटना है, 21 का शायद रात को नहीं, 22 का टाइम का घटना है, जिस दिन ये घटना आप बता रहे हो ना, बाबू के बर्थडे के, मुझे लगता है कि शाम का टाइम तो पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा था उस टाइम की घटना नहीं है। मतलब दोपहर 21 को, नहीं 21 को, अंकुश तो 22 को ही आया ना। हाँ वो तो 22 को, अंकुश 22 को ही आए हैं, और अंकुश भाई, और शाम के टाइम में पार्टी के 2-3 घंटे पहले ही घटना है कि हम लोग रेडी हो रहे थे। उसी टाइम हम सचिन भाई भी थे, हम थे, अंकुश भाई थे, मिथुन भाई भी शायद वहाँ पे थे। और हमारी फैमिली जैसे एक रूम था हमारा, तो उसमें दो पार्ट था, एक था कि हाफ पार्ट उधर घेरा हुआ था, उधर हमारी फैमिली बैठी हुई थी, उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो लोग कोई ऐसा नहीं था कि देख रहे थे, या ऐसा नहीं था कि वहाँ किसी को कोई बेइज्जत किया जा रहा था। सभी लोग चल रहे थे वहाँ पे, हंसी मजाक, ये लोग पास वाले बैठते थे। आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा, एक ऑफिस सा था और एक उधर, जो मेरे सामने घटना हुआ, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, जो मेरे सामने हुआ घटना, तो मेरे सामने जो घटना हुआ, मैंने यही देखा कि भाई वहाँ मर मजाक चल रहा था, सभी लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, सारे हाँ हंस रहे थे। तो अभी अंकुश भाई का मुझे वो टोन समझ में नहीं आया कि अंकुश भाई ने जो घटना बता रहे थे विजय भाई की, हाँ ऐसे करने वाला, या वो गांव वाला बोलना, वो सब वहाँ हुआ था मुझे पता है, बट वो मुझे पता नहीं कि उसका टोन क्या था। अंकुश भाई बाद में स्माइल कर रहे थे, तो हो सकता है, मुझे जहाँ तक उस समय लगा कि वो जो चीज़ चल रहा है ना, वो मजाक चल रहा है, मेरा मानना यही था। मैंने वो घटना सिर्फ एक बार ही देखा, विजय भाई ने बोला कि 2-3 बार ही बोला गया, मेरे सामने एक बार ही वो घटना हुआ। तो मैंने उस समय अंकुश भाई को भाई बोला कि अरे हंसी, सब लोग हंस रहे थे, मैंने केयर नहीं किया। अगर विजय भाई के साथ दोबारा तिबारा ऐसी घटना हुई, तो उनको बोलना चाहिए था पर्सनली कि रुद्र भाई आपके साथ हम आपकी पार्टी में आए हैं और ऐसा ऐसा हुआ है,
और किसी ने इस बात पे मुझे एक बार भी नहीं बोला ना चर्चा किया। और किसी को पता इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है अभी, बहुत सारे लोगों को टॉपिक मिल गया, जो लोग पार्टी में थे उनका समझ में आता है, जो पार्टी में नहीं थे वो लोग भी मजे ले रहे हैं। तो हमारी फैमिली के बीच ये फूट हो रहा है, हम लोग एक इतना अच्छा एक फैमिली बना रहे थे, सभी लोग मिल बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो ये जो मिथुन भाई की कंट्रोवर्सी हुई थी कि हाँ अंकुश भाई ने कमेंट कर दिया था ईएमआई को लेके, तो वो उनका मैटर था, उन्होंने बाद में कमेंट किया, वो पार्टी के बाद की बात थी। बट जो पार्टी के अंदर की बात थी वो मुझे उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। एक बारी मेरे सामने हुआ और मैं सही बोल रहा हूँ ना कि आप पूरी वीडियो उठा के देख लेना सभी लोगों के कि मैंने कहाँ कमी किया था, कहीं कुछ कमी नहीं किया था। और एक बात रही कि गांव से कोई भी कहता है कि हाँ गांव से, तो हम भी गांव से हैं, ऐसा नहीं है कि हम शहर से हैं और गांव के एकदम प्योर गांव से ही हैं। और रही बात की साथ देने की, तो मैं किसी का भी इसमें साथ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि विजय भाई ने मुझसे इस बात का चर्चा नहीं किया था। अगर वो पहले से मुझे बोले रहते तो मैं अंकुश को बोलता, डांटता, समझाता, मैं स्टैंड लेता। मैं अभी सबको समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं अब चाहूंगा कि सभी लोग बैठे, बात खत्म हो जाए, मैं सबके लिए अब स्टैंड लूंगा कि अब इस बात को खत्म करने के लिए लूंगा। लेकिन अभी जो आप बता बोल रहे हो कि विजय भाई का स्टैंड लो, विजय भाई के साथ हो, तो मुझे एक बात बताओ, विजय भाई को गलती है या नहीं? मुझे अगर मैं पार्टी का होस्ट था तो मुझे उनको बताना चाहिए था ना कि मेरे साथ दो बार तीन बार अंकुश भाई ने ऐसा किया, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया, डायरेक्टली कल वाली वीडियो में उन्होंने बताया। तो बताओ मेरी इसमें क्या गलती है, आप बताओ मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने पार्टी में गेस्ट को बुलाया, सब कुछ के लिए सब कुछ अच्छे से किया, ऑर्गेनाइज किया, सभी लोग को लास्टली पिकअप किया, ड्रॉप किया, किसी को मुझप्पर को ड्रॉप किया, किसी को जहाँ जहाँ जो लोग आए थे उनको पहुँचाया स्टेशन पे। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी, आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, आप ब्लॉग देखना, मिथुन भाई अपनी जैकेट छोड़ के स्टेशन चले गए और वहाँ जाने के बाद उनको याद आता है कि अपनी न्यू वाली जैकेट जो है ना वो रूम पे छोड़ दी है। फिर मैं भागते भागते गया, फिर उसी टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं दवाई ले रहा था, मैं भागते भागते गया रूम पे, वहाँ से उनकी जैकेट लेके आया, फिर उनको दिया, इतना कुछ किया सभी लोगों के लिए। बट ये कॉन्ट्रोवर्सी मुझे सही नहीं लग रही है, प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, विलेज वाली बात भी हमने क्लियर कर दी कि भाई हम भी प्योर गाँव के हैं, देहाती लोग हैं, हम कोई शहर के नहीं हैं। पूरा गाँव देखो, पूरा ये खेत पतवार यहाँ सब कुछ, और मेन ये फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव से हो या शहर से हो, इंसान तो इंसान ही होता है चाहे कहीं से भी हो। और रही बात कमेंट की, तो भाई वो मिथुन भाई और अंकुश भाई के बीच का मैटर था कि वो उन्होंने जो कमेंट किया ईएमआई को लेके चाहे कुछ भी लेके, तो वो अंकुश भाई का मैटर था, मेरा कोई मैटर उसमें नहीं था। अगर अंकुश बाद में कुछ कमेंट करता है तो वो अंकुश समझ रहा है कि वो मजाक में कर रहा है या मिथुन भाई समझ रहे हैं, और वहाँ पे अगर उन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो दोनों क्लियर कर लेंगे। वहाँ मेरी पार्टी की कोई भी मतलब मेरी पार्टी को लेकर रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई थी। यहाँ मैंने सारे टॉपिक लिखा है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ क्लियर करूँ। मैं टेंशन में, सुबह से मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत, मेरी आवाज़ आप ब्लॉग में देख रहे होंगे प्रॉपर, तीन दिन चार दिन से जो भी ब्लॉग आ रहे हैं, बाबू के बर्थडे के बाद जो भी ब्लॉग आ रहे हैं, अब जाके थोड़ी आवाज़ मेरी फ्रेश भी है, वरना आवाज़ पूरी बैठ गई थी, लगातार मेडिसिन खा रहा हूँ। फिर अभी अमित भाई के यहाँ से इवेंट आया हुआ है, अब वहाँ भी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ, बहुत उन्होंने इनवाइट किया, मैंने बुलाया कि हम लोग आएंगे, बट बहुत सारी यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। पूजा की तबीयत देख सकते हो, इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसको इंजेक्शन लग रहा है, बहुत सारी चीज़ चल रही है। मतलब अब आपके ऊपर मैनेज हो रहा है कि आप लोग को ये निर्णय करना है कि इसमें हमारी क्या गलती है और हमने किया क्या है। भाई हमने इतना अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, सब लोगों के लिए किया। मुझे लगता है कि मतलब पार्टी में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि जितना हमने मतलब जो भी वो सब कुछ अच्छे से किया, अरेंज किया अच्छे से सबको, मतलब क्या गलती है हमारी। एक कमेंट मैंने ये भी देखा, कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आपकी गलती ये है कि आप चुप रहे, उनको जलील होने दिए विजय भाई को, और विजय भाई के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाया। ये मैंने पिकअप लाइन लिखा है, आप बताओ कि विजय भाई जब तक आपको बताएंगे नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है तो आप कैसे मानोगे। मेरे सामने उन्होंने तो नॉर्मली बोल दिया कि रुद्र भाई थे, रुद्र भाई की फैमिली थी, बट उन्होंने उस चीज़ को जिक्र नहीं किया कि वहाँ का सिचुएशन क्या था, फैमिली थी बट वो दूसरे पार्टी में थी, वो अपना फैमिली में लगी हुई थी, सब लोग रेडी हो रहे थे पार्टी, हम लोग इस साइड सोफे में बैठे हुए थे साइड में, और वहाँ मेरे सामने जो घटना हुई वो मजाक के टोन पे थी,
जो मैंने देखा। अगर सीरियस होता वो, तब तो वहीं पे वो फर्स्ट टाइम था। एंड आपने विजय भाई आपने बोला कि वो थर्ड टाइम था। अगर वो थर्ड टाइम था तो आपको बोलना चाहिए था, प्लीज़ आपको ये बोलना चाहिए था कि हाँ विजय भाई, रुद्र भाई, आप ऐसा ऐसा हुआ है और शायद आप भी भूल गए हो, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन डायरेक्टली वीडियो आया फिर मुझे पता चला कि हाँ हमारे आप गेस्ट थे, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो ये जिम्मेवारी वाकई में मेरी थी, बट आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया कहानियाँ सुन सुन के बोर हो गया, सब लोग कहानियाँ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन से लोग क्या बना रहे हैं। जब बात मेरी पार्टी पे आ रही है, जब मुझ पे आ रही है, तो मुझे बोलना है भाई, सब कुछ क्लियर करना है कि भाई जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है क्या वही। और इस तरह से होगा तो कोई भी आदमी फिर इस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा, फिर अपने ऊपर ब्लेम लेगा। और हम लोगों को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, अपने ऊपर फिर ब्लेम लेना पड़ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी की वजह से ये सारा चीज चालू हुआ है। इतना ये पार्टी जब स्टार्ट हुई इतना टेंशन में थे कि किसी को कुछ चीज की कमी ना हो, थोड़ा सा भी मतलब कुछ कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सोच सोच के मतलब रात भर ऐसे सोते नहीं थे इतना। और रही बात क्या कंट्रोवर्सी है, वो लोग तो अपने अपने चैनल्स पे सब लोग धीरे धीरे करके क्लियर कर देंगे, जो भी होगा सब लोग धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। मैं बस यही चाहूँगा, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, प्लीज़ इन चीज़ों को बंद कर दो। अगर किसी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो प्लीज़ शेयर करो और ख़त्म करो। और और हमारी पार्टी में फिर से मैं बोल देती हूँ, हमारी पार्टी में अगर किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो या होगा तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के सॉरी कहते हैं कि हमारी गलती थी, कि मतलब कुछ भी मैनेज अगर नहीं कर पाया तो वो हमारी गलती थी। आप लोग जितने भी लोग आए थे पहले आप लोग बताना कि क्या मैंने पार्टी में कमी किया था, तो मैं भाई माफ़ी मांगता हूँ आप सभी लोगों से, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बट आप दिल से बताना कि शायद क्या मेरे से कमी हुई थी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड शायद हमने तो चाहा था कि बेटर करें, अब तक का सबसे बेटर इवेंट करें, और आगे भी उससे बेहतर इवेंट करना है मुझे, मैंने बहुत कुछ प्लान किया है लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। अब तो डर ही लग रहा है ये सब देख के। बट हाँ जो भी है, और अभी छत पे बैठ के इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने ब्लॉग देखा। भाई देखो मैं अभी सुनाता हूँ आपको, मुझे ये लाइन जो है ना बहुत बुरा लगा, जो विजय भाई का लाइन था ना भाई, देखो देखो मुझे तो इस बार इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। देखो विजय भाई जीवन बन गए, मुझे सब कुछ पता है कि वो एकदम दिल से अच्छे हैं, मैं उनके लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारा झारखंड बिहार यूपी से अब हम सूट भी नहीं पहनेंगे, अब आएंगे तब मेरे को अच्छा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। और क्या बोले, हम लोग को कोई स्क्रिप्ट उस तरह से हम लोग बनाने नहीं कर दिए, ठीक है। तो देखिए कितना गलत बात, मेंबर थे उनकी मम्मी और भी बहुत सारे गेस्ट थे, और एक कोई यूट्यूबर के बारे में भैया थे, सचिन भैया थे, और सर कोई यूट्यूबर थे उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, वो भी मेंबर थे उनकी मम्मी, और हुआ था ना तो उस मतलब उस रूम में हम थे, रुद्र भैया थे, सचिन भैया थे, और सचिन कह रहे हैं रुद्र भैया के फैमिली मेंबर थे, उनकी मम्मी और भी बहुत सारे गेस्ट थे, और एक कोई यूट्यूबर थे। देखो ये बातें मुझे पता थी, विजय भाई मेरे सामने हुआ था, मुझे सब कुछ पता है। ये वाला लाइन मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आपने जो बोला कि हाँ हमारे सामने हुआ था, बट उसमें शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि जो घटना हो रही थी शायद। तो एक होता है कि सबके सामने बोलना, सब लोग सुनना, सब लोग आपको देख रहे हैं, तो वो चीज़ उस टाइप से नहीं हुई थी। और मुझे जो लगा ना वो उस समय वो मजाक का टोन चल रहा था, बट आपने बोला कि आपके साथ तीन बार किया, तो भाई अंकुश भाई ने बहुत गलत किया। अगर अंकुश भाई ने तीन बार घटना किया है किसी को इस तरह से किया है, तो अंकुश भाई की पूरी गलती है। बट विजय भाई आपको मुझे पहले शेयर करना चाहिए था कि शायद आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पहले मैं स्टैंड लेता, आपके लिए खड़ा रहता, और खड़ा हूँ। और अंकुश भाई प्लीज़ इस बात को ख़त्म कर दो, और सभी लोग मिलजुल के इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। अगर कुछ चीज़ें कुछ मतलब लग रही है कि हाँ कुछ गलत हो गई है हमसे, आपसे, या किसी से भी, तो बैठ के सॉल्व कर लेंगे। मुझे पता है कि YouTube पे चालू हुआ, मैंने अंकुश भाई का वीडियो देखा अभी, वो बोल रहे थे कि YouTube पे चालू हुआ है, YouTube पे ही ख़त्म करेंगे, तब ठीक है YouTube पे ही ख़त्म करेंगे। तो हम लोग कॉल पे सभी लोग बातें करते हैं और इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके अपने अपने YouTube पर डाल के हम लोग इन चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं, अपनी अपनी गलती मान लेते हैं कि हम सभी लोग की अपनी अपनी गलती है, कबूल कर लेते हैं कि हाँ मेरे से होस्टिंग में कुछ गलती हुआ, एंड जो भी चीज़ें हैं
तो वो स्टेप से हम लोग क्लियर करेंगे इस चीज़ को। और हम चाहेंगे हमारी जो भी ऑडियंस, हमारी फैमिली देख रही है वीडियो, कि जल्द ही इस चीज़ को हम अपने माध्यम से क्लियर कर दें। बिकॉज अभी जस्ट अमित भाई का फंक्शन है, वहाँ भी जाने का प्लान चल रहा है, तो शायद उससे पहले सब कुछ क्लियर हो जाए, वरना ये कॉन्ट्रोवर्सी में भी मुझे लग रहा है ना कि ये एक छोटी सी चिंगारी जो है ना, कभी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले रहा है, तो शायद ये बड़ा रूप लेने से पहले इसको ख़त्म करना होगा। मैं चाहूँगा कि सचिन भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप भी सब लोग को समझाओ एंड सभी लोग मिलकर इस पर कुछ एक्शन लेते हैं एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चलो लास्टली आप लोग से यही बोलना था कि जो भी मैंने देखा, मुझसे जो समझ में आया, मैंने आपको बता दिया कि मेरे सामने ऐसी सी घटना हुई थी, ठीक है। एंड बाकी आपके ऊपर है, आप कमेंट करना, बताना कि मेरे से कहाँ चूक हुई है क्या। चलो बाकी इस ब्लॉग से विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय माता दी। मिलते हैं फिर से कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, मिलते हैं फिर।